वेंकटापुरम गांव में रहे सुप्रजा के दो बेटे हैं। उसका बड़ा बेटा रमेश और उसका छोटा बेटा सुरेश। एक दिन रमेश ऑफिस से कार में घर वापस आते समय बीच रास्ते में 10 साल का बच्चा रोड पर खड़े रह के हाथ में एक गिफ्ट लेकर बारिश में भीग के लिफ्ट पूछ रहा था। उसे देख के रमेश उस बच्चे को कार में लिफ्ट दे के ऐसे पूछने लगा, छोटू कहाँ ड्रॉप करना है? फीड द नीड ऑर्गेनाइजेशन के पास अंकल। ओके ओके, वो गिफ्ट क्या है? आज स्नेहा दीदी का बर्थडे है, मैं और मेरे दोस्त मिलके गिफ्ट खरीदे, आज उसे गिफ्ट देना है अंकल, वो ऑर्गेनाइजेशन होम को चली गई होगी। स्नेहा दीदी मतलब वो कौन है? वो स्नेहा दीदी मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी डोनर है। तुम लोग हर एक डोनर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? नहीं अंकल, सिर्फ स्नेहा दीदी का बर्थडे ही सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो सबके जैसे नहीं है। इतने दिनों से हमारे लिए फ्रूट्स, एग्स सब डोनेट करती है, पर अभी तक वो एक भी फोटो नहीं ली अंकल। ऐसे वो बच्चा स्नेहा के बारे में बताने पर रमेश को स्नेहा के प्रति अच्छी राय पैदा होती है। उस दिन रमेश उस बच्चे को ऑर्फनेज के पास ड्रॉप करके घर चला जाता है। तब सुप्रजा रमेश से ऐसे कहने लगी, रमेश बेटा, तुम दोनों भाइयों के लिए मैं शादी के रिश्ते देख रही हूँ रे। ये लो, ये फोटो देखो, हमारे स्टेटस के बराबर की लड़की है, ये तो हमारी कैस्ट की लड़की है बेटा। ऐसे सुप्रजा एक फोटो के बाद दूसरा फोटो रमेश को दिखाते समय रमेश उसकी माँ से ऐसे कहने लगा, माँ मुझे फोटोस मत दिखाओ, मैं एक लड़की को चाहता हूँ माँ, उसका नाम स्नेहा है। ओ ठीक है, उस लड़की को हमें कब दिखाओगे? ऐसे सुप्रजा पूछने पर रमेश ऐसे कहने लगा, मैं उसे देखने के बाद। ऐसे रमेश कह के वहाँ से चला जाता है। तब सुप्रजा और सुरेश दोनों शौक हो जाते हैं। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन स्नेहा से शादी की प्रपोजल करने के लिए रमेश ऑर्फनेज के पास जाता है। तब उस ऑर्फनेज होम में स्नेहा नहीं रहती। रमेश उसका घर का पता लेके कार में निकलता है। रमेश उस एड्रेस को जाने पर एक झोपड़ी के बाहर चूल्हे के सामने बैठकर स्नेहा खाना बना रही थी। तब रमेश कार से उतर के उसके पास जाकर ऐसे पूछने लगा, यहाँ स्नेहा कौन है? तब स्नेहा ऊपर उठ के ऐसे कहने लगी, मैं ही स्नेहा हूँ, आप कौन हो? स्नेहा ऊपर उठने पर वो देखने में बहुत नाटी रहती है, पर रमेश को उसकी सुंदरता से ज्यादा दिल बहुत पसंद आता है। वो बिना देर किए उसके घर के अंदर जाके स्नेहा के माता पिता से बात करके उनको मना के उसके बाद स्नेहा से उसकी राय पूछ के उसी दिन रजिस्टर मैरिज करके स्नेहा को घर ले आता है। ऐसे रमेश अचानक से एक गरीब और नाटी लड़की से शादी करके घर को सीधा ले आने पर सुप्रजा को बहुत गुस्सा आता है, पर बेटे को कुछ नहीं कहती और चुप रह जाती है। थोड़े दिनों बाद सुप्रजा सुरेश की शादी एक अमीर घर की लड़की सिरीशा से करती है। उसके बाद सुप्रजा के घर में बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों रहते हैं, लेकिन सुप्रजा को बड़ी बहू स्नेहा बिल्कुल पसंद नहीं रहती। उसे हर बार सता के घर से बाहर भेज देने का प्लान्स करती रहती है। एक दिन सुप्रजा उसकी दोस्तों को डिनर पार्टी देने के लिए घर पर बुलाती है। उसके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी स्नेहा और सिरीशा को देने के लिए दोनों को बुलाती है। सुनो दोनों बहुएं, आज शाम को मेरे दोस्त घर आ रहे हैं, उनके लिए तुम दोनों खाना बनाओ, आधा स्नेहा करेगी आधा सिरीशा करेगी, ठीक है ना? ऐसे उनको ऑर्डर दे के चली जाती है। तब सिरीशा किचन में पहले जाकर जो उसको आता है वो व्यंजन पका के किचन से बाहर आ जाती है।
उसके बाद स्नेहा सिरिशा से ऐसे पूछने लगी, सुनो सिरिशा, मैं शॉर्ट हूँ ना, मुझे स्टोव और कबोर्ड में सामान नहीं मिलते, इसीलिए जरा तुम मेरी मदद करोगी? क्या, तुम्हारी मदद करो? तू इतनी शॉर्ट क्यों पैदा हुई? तू मेरी मदद मांगकर पूरा काम मुझसे करवाना चाहती हो? वो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे शिरीशा घमंड से कह के चली जाती है। तब स्नेहा किचन में बैठ के बहुत रोने लगी। इतने में रमेश आकर पूरी बात जानकर उसके लिए स्टूल लाके देता है। तब स्नेहा तरह तरह के पकवान स्टूल पर खड़े रह के अच्छे से बनाकर किचन में से आ जाती है। तब किचन में से बाहर आने के बाद सुप्रजा अकेली किचन में जाकर पकवानों को देखकर अपने मन में ऐसे सोचने लगी, ये विलेज डिशेस जरूर उस नाटी ने बनाया होगा, अब भी मैं इसमें कीड़े मकोड़े मिलाकर ये व्यंजन खराब कर दूंगी। उस नाटी को मेरे दोस्तों के सामने डांट के घर से बाहर निकाल दूंगी। ऐसे सुप्रजा प्लान करके उस विलेज डिशेस में कीड़े मकोड़े मिलाती है। उसके बाद पार्टी में आए सुप्रजा के दोस्तों को बहुओं के बनाए पकवान परोसती है। पहले फॉरेन डिशेस परोसती है, वो डिशेस टेस्ट करके उसके दोस्त सुप्रजा की तारीफ करते हैं। उसके बाद विलेज डिशेस परोसती है, उसमें रहे कीड़े मकोड़े देखकर सुप्रजा के दोस्त वॉमिटिंग कर लेते हैं। उससे सुप्रजा भोली की तरह स्नेहा को बुलाकर डांटने लगी। तब स्नेहा ने, सासू माँ, जैसे आप सोच रहे हो ये विलेज डिशेस मैं नहीं की, सिरिशा ने बनाया है, लेकिन सिरिशा खाना बनाने के बाद मैं उन्हें टेस्ट की सासू माँ, तब बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी क्यों ऐसे खराब हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में वहाँ सिरिशा आती है, मेरे डिशेस सासू माँ ने जानबूझकर खराब कर दिए, वो कीड़े मकोड़े पकवानों में मिलाना मैं अपनी आंखों से देखी, सासू माँ वो विलेज डिशेस मैं बनाई सोचकर ये सब काम किए। ऐसे सिरिशा सच कहने पर सुप्रजा के दोस्त उसे शपथ लगा के वहाँ से चले जाते हैं। उससे सुप्रजा को उसकी गलती का एहसास होकर उसमें बदलाव आके स्नेहा से प्यार से रहने लगी। तब से सास और बहुएं प्यार से रहने लगे। रेपल्ले गांव में रही हारिका बचपन से ही अच्छे से पढ़ के डिस्टिंक्शन में पास होती है, पर हारिका के पिता को उसे पढ़ाने की हैसियत नहीं रहती और रमेश नाम के एक किसान से उसकी शादी कर देता है। थोड़े दिनों बाद रमेश उसकी पत्नी हारिका की इच्छाएं जानकर उसे पढ़ाने का निर्णय करता है। उससे रमेश उसकी माँ सुभद्रा की अनुमति लेकर हारिका को शहर में रहे कॉलेज में पढ़ाने लगा। तब से रमेश हर रोज खेती का काम पूरा करके हारिका को साइकिल पर कॉलेज को ले जाकर छोड़ता है। ये सब देखकर गांव वाले आश्चर्य हो जाते हैं। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुभद्रा उसके गांव में रही नदी के पास पानी लाने जाती है। तब सुभद्रा पानी को मटके में भर के सर पर रख के वापस लौटते समय अचानक से उसका हाथ फिसल कर मटका नीचे गिर जाता है। तब वहाँ सुभद्रा की दोस्त पंकजम आती है। सुभद्रा, इस उम्र में तू ये सब काम क्यों कर रही है? अच्छे से बहू से सेवाएं करा के घर में आराम से रह सकती हो ना? तू और तेरा बेटा बहुत मेहनत करके उसे पढ़ा रहे हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा रे? देखो पंकजम, मेरी बहू पैसे कमाने के लिए हम उसे नहीं पढ़ा रहे, उसकी पढ़ाई चार लोगों के लिए उपयोग होगी। तू देखती रहना पंकजम, किसी न किसी दिन मेरी बहू मेरे घर का नाम जरूर रोशन करेगी। ऐसे सुभद्रा पंकजम से कह के पानी का मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन गांव में रहे पंचायत के पास सरपंच गांव वालों से बातें कर रहा था। वहां से गुजर रहे रमेश को सरपंच बुलाता है। रमेश, इधर आओ। इसे सरपंच बुलाने पर रमेश पंचायत के पास जाता है। तब सरपंच ने, रमेश आजकल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे।
वो क्या है ना, आजकल काम बहुत बढ़ गया है सरपंच साहब। क्या काम बढ़ गया? या मुझे बताए बिना पड़ोस गांव में खेती खरीदे क्या? ऐसे सरपंच कहते समय एक गांव वाला बीच में ऐसे कहने लगा, सरपंच साहब इसको खेती का काम नहीं पत्नी का काम बढ़ गया है। ऐसे एक गांव वाला कहने पर वहां रहे सारे लोग जोर से हंसते हैं। उससे रमेश को बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या कह रहे हो रे, ठीक से बोलो ना। और कुछ नहीं सरपंच जी, ये रमेश उसकी पत्नी को शहर के कॉलेज में पढ़ा रहा है। क्या आरिका को पढ़ा रहे हो? हाँ सरपंच साहब। हमें क्यों ये पढ़ाई बढ़ाई? मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाया पर उसे अच्छी नौकरी ही नहीं मिली। मेरी बात सुन और उसे पढ़ाना बंद कर दे। वो पैसे मेरे पास ले आना, मैं तुझे इस गांव में रहे वाइन शॉप का लाइसेंस दिलाऊंगा रे, तब तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे सरपंच बात करने पर वहाँ रहे सारे लोग मजाक की हंसी हंसने लगे। उससे रमेश को अपमान लग के वहाँ से वो चला जाता है। सुभद्रा और रमेश ऐसे गांव में बहुत अपमान सहकर हारिका को पढ़ाते हैं। थोड़े दिन बीतने के बाद हारिका की पढ़ाई पूरी होती है। हारिका को बचपन से ही पायलट बनने की इच्छा थी और अभी वो एग्जाम लिख के पास होती है। उससे हारिका को NDRF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब आता है, पर जॉब में ज्वाइन होने से पहले ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ा। ये बात कहने के लिए एक दिन हारिका पति रमेश और सास सुभद्रा से ऐसे कहने लगी, सासू माँ मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मुझे NDRF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब मिला है, मैं पायलट के लिए अप्लाई की सासू माँ। मतलब बहू तू क्या काम करेगी? मेरा काम गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर चलाना है सासू माँ। हो बहुत अच्छा जॉब है बहू, पर इसके लिए मुझे दिल्ली में ट्रेनिंग लेना है, वो भी कल तक वहाँ जाना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं हारिका, मैं साइकिल पर तुझे संभाल के ले जाऊंगा ना, तू चिंता मत कर। पति की बात सुन के हारिका हंसती है। अरे दिल्ली हमारे गांव के पास नहीं है जी, वो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ फ्लाइट पर जाने से ही कम समय में पहुँच सकते हैं, पर उस फ्लाइट टिकट के लिए 10,000 रुपए होंगे। बाप रे 10,000 रुपए, उतने पैसे हमारे पास कहाँ है हारिका, क्योंकि अभी अभी फसल डाले ना, फिर भी तू घबरा मत, मैं किसी से कर्जा ले लूंगा। उसके बाद रमेश सरपंच के पास जाकर पैसे कर्जे में पूछता है। तब सरपंच ने, हारिका पायलट ट्रेनिंग के लिए कल तक दिल्ली जाना है, उसके लिए तुझे 10,000 रुपए कर्जे में चाहिए। मैं बोला ना रमेश ये इतना आसान काम नहीं है, तेरी पत्नी को वो नौकरी वोकरी छोड़ देने को बोलो, चाहिए तो वो हमारे गांव की बस ड्राइवर जॉब में ज्वाइन हो सकती है, मैं रिकमेंड करूंगा। सरपंच फिर से ऐसे व्यंग्यात्मक ढंग से बात करने पर पंचायत के पास रहे लोग जोर से हंसने लगे। तब रमेश बहुत निराशा से लौटते समय रमेश का स्कूल मास्टर दिखाई देते हैं। रमेश क्या हारिका गवर्नमेंट पायलट जॉब के लिए सेलेक्ट हुई? हाँ मास्टर जी, पर हारिका को उस ट्रेनिंग पर भेजने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो रमेश, उसके लिए पैसे मैं दूंगा। ऐसे कह के मास्टर जी रमेश की सहायता करते हैं। तब हारिका फ्लाइट में दिल्ली जाकर पायलट ट्रेनिंग करती है। इतने में रेपल्ले गांव में मूसलाधार बारिश पड़ने पर नदी पर रही पुराना पुल टूट के गाँव पूरा बाढ़ के पानी में डूब जाता है। तब रमेश और सुभद्रा के साथ साथ गांव वाले अपने अपने जान बचाने के लिए भगवान को प्रार्थना करने लगे। तब अचानक से आसमान में हारिका हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए आती है। हारिका को हेलीकॉप्टर में आते देखकर रमेश और सुभद्रा के साथ गांव वाले भी शॉक हो जाते हैं। उसी समय बाढ़ का पानी बहुत बढ़ के गांव पूरा डूबने लगा। तब हारिका देर न करके एक सीढ़ी को हेलीकॉप्टर से नीचे डालती है, उससे गांव वाले उस सीढ़ी की सहायता से हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ जाते हैं। तब हारिका उन लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ देती है। उससे रेपल्ले गांव वालों को सुभद्रा की बहू की नौकरी का मूल्य ज्ञात होता है
हारिका को इतनी बड़ी पायलट की नौकरी आने के लिए बहुत मेहनत किए, रमेश की बहुत तारीफ करते हैं।